मोदी सरकार का एक और बड़ा कीर्तिमान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाली सरकार ने फिर तोड़ा एक रिकॉर्ड। मोदी सरकार ने साल 2018-19 में FDI का नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत में हुआ है वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत को इस साल 64.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। इससे पहले सबसे ज्यादा FDI आने का रिकॉर्ड 2017-18 में भी मोदी सरकार का ही था। तब 61.96 डॉलर का FDI आया था। विदेशी निवेश में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह है मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे आर्थिक सुधार के प्रयास। 2018-19 में सर्विस सेक्टर में तो FDI में 36.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस वित्तीय वर्ष में सर्विस सेक्टर में FDI 9.15 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2017-18 में 6.7 अरब डॉलर ही था। सर्विस सेक्टर में हुई ये बढ़ोतरी बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि GDP में उसका योगदान 60% से भी ज्यादा का है। DPIIT की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते 5 सालों के दौरान 286 अरब डॉलर का FDI आया है। 20 साल में पहली बार हुआ है जब 2018 में भारत ने चीन को FDI के मोर्चे पर पछाड़ दिया। मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधरती रैंकिंग का ही ये परिणाम है कि भारत व्यापार के लिए दुनिया की पहली पसंद बना हुआ है।